ये लिंक्डइन क्या बला है भाई, लोग कहते हैं कि लिंक्डइन इस्तेमाल करो, लिंक्डइन इस्तेमाल करो। तो लिंक्डइन आपको सिंपल चीज़ है, वो फेसबुक है प्रोफेशनल लोगों के लिए। फेसबुक में जैसे आप उल्टा सीधा चीज़ शेयर करते हो दोस्तों के साथ, हंसी मजाक, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, बला, पर लिंक्डइन में क्या होता है कि थोड़ा प्रोफेशनल होता है कि प्रोफेशनल वर्जन है। मतलब आप जब घर में बैठ कर फेसबुक करते हो, ऑफिस में जाके जो फेसबुक करते हो वो है लिंक्डइन। सिंपल मतलब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्शंस होता है, जैसे आपके फेसबुक में फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं होता है क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं होता है, वहाँ पे कनेक्शंस होते हैं। हाउ मेनी कनेक्शंस डू यू हैव इन इन योर बिजनेस, हाउ मेनी कनेक्शंस डू यू हैव इन योर डोमेन, इंडस्ट्री, वट एवर दैट यू आर डूइंग, राइट? सो वट इज़ द यूज़ ऑफ बिल्डिंग कनेक्शंस इन लिंक्डइन इवन दो आई डोंट नो देम और आई डोंट टॉक टू देम? इसका मतलब ये है कि आप जब कनेक्शन बना रहे हो, लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, लोगों का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फ़ायदा क्या है? मतलब उनको अगर नहीं जानते हो तो फिर उनके साथ कनेक्शन बना के फ़ायदा क्या है? तो आप जॉब क्यों करते हो, बिज़नेस क्यों करते हो? बिज़नेस जब करते हो तो कस्टमर के पास क्यों जाते हो, इन्वेस्टर के पास क्यों जाते हो? जॉब करते हो तो बॉस के पास क्यों जाते हो, नए कस्टमर्स के पास क्यों जाते हो? कनेक्शन बनाने के लिए, कनेक्शन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसका जो रिटर्न बेनिफिट है उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको भी खुद को बेनिफिट मिलेगा और आपके कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा, मॉनिटरीली, फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, कुछ भी हो सकता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम, योर डोमेन, योर बिजनेस, योर प्रोडक्ट, योर कंपनी, योर सर्विस, वट एवर दैट यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो। थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा हूँ बट आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो बहुत बार देखोगे, बहुत सारे ऐसे लिंक्डइन में प्रोफाइल देखोगे, वहाँ पे उनके पास 20,000 कनेक्शंस है, 30,000 कनेक्शंस है, 1,00,000 कनेक्शंस है, तो इसमें क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहले बात यह है कि लिंक्डइन में आप लेटर ऑन एक जब आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 लोगों को जब ऐड कर लेते हो, कनेक्शन बना लेते हो, तो वहाँ पे एक नेटवर्क इफेक्ट हो जाता है। आप बात करो या ना करो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट उसमें एक नेटवर्क इफेक्ट होता है। नेटवर्क इफेक्ट का क्या होता है कि आपने सोचो कि कोई जॉब के बारे में पोस्ट किया कि मुझे ये चाहिए, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं ये बेच रहा हूँ, मैं इस कंपनी में स्विच कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फंडिंग कर रहा हूँ, मुझे फंडिंग चाहिए, मैं इस कंपनी में ये प्रोडक्ट, फलाना फलाना, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हो, क्योंकि फेसबुक में जब आप दोगे तो वो उतना स्प्रेड नहीं होता है, लोगों के पास पहुँचता नहीं है। बट लिंक्डइन के माध्यम से अभी 2019 में जो एल्गोरिथम है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बारे में, आपका जो पोस्ट है वो देख पाएंगे। तो वहाँ पे ये नेटवर्क इफेक्ट का काम आता है। कनेक्शन बना रहे हो, बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। पहले मैं ये कहूँगा कि जितनों को आपने ऐड किया उनको हाई मतलब ऐसा नहीं कि हाई डियर हाउ आर यू, ऐसा नहीं, एकदम नहीं। यहाँ पे एक प्रोफेशनल लिखो कि सर, मैडम, ऑब्वियसली सर मैडम एक साथ मत लिख के भेजो। वहाँ पे देखो कि अगर कोई आपसे बड़ा है तो उनको सर बोलो, मेल है, अगर फीमेल है तो मैडम बोलो, अगर आपसे जूनियर है तो हाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ मी, आई वर्क हेयर, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई कैन हेल्प यू और आई वुड लाइक टू डिस्कस मोर अबाउट यू, ऐसा कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का फॉर्मल दो लाइन का आप हल्का से उनको भेज दो और उनको भी अच्छा लगेगा। चलो कॉपी पेस्ट मारो ठीक है, बट थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड अगर रहेगा, हाई, उनका नाम दिनेश, रमेश, दिया, फिया, जो भी है, रिया, जो भी आपको सही लगता है वो आपने डाल दिया, तो उनको भी अच्छा एक फील आएगा, एक कनेक्शन हो जाएगा। और कभी भी आप ऐसा नहीं कि एक कभी उनको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसा एक स्ट्रेंजर जैसा फील नहीं आएगा। तो सबसे पहला चीज़ है, आपको एक नेटवर्क इफेक्ट हो जाता है, आप कुछ भी अगर शेयर करते हो, प्रमोट करते हो, तो वो सबके पास जाता है, वो एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जब कोई भी आपको अगर ज़रूरत होगा, क्योंकि वहाँ लिंक्डइन में बहुत तरीके के, बहुत डोमेन के, बहुत इंडस्ट्री के लोग आपको मिलेंगे जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे। अगर आप मीडिया लाइन से हो, आप इंजीनियरिंग लाइन से भी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे ये बहुत ही ब्रॉड एक नेटवर्क है, कनेक्शन बनाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। फेसबुक जो है इट्स फाइन, बट वो टाइम पास के लिए सही है, इट्स नॉट गुड फॉर बिजनेस। लिंक्डइन इज़ वेरी गुड फॉर बिजनेस। जब भी आप स्टार्टअप कर रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग स्टार्टअप, आपको वहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे वीसी फर्म्स मिलेंगे, प्राइवेट इक्विटी मिलेंगे, आपको वेंचर कैपिटलिस्ट मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मेंटर मिलेंगे, आपके सेम एज ग्रुप के आपके स्टूडेंट मिलेंगे, नेटवर्क मिलेंगे, आपके कॉलेज के स्टूडेंट मिलेंगे, स्कूल के स्टूडेंट मिलेंगे, वहाँ पे एलुमनाई मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको नए नए कंपनी के ऑफर के बारे में पता चलेगा, प्रोफेशनल जो चीज़ है वो आपको जानने को मिलेगा। सो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप लिंक्डइन में जाओ, अकाउंट तो ज़रूर बनाओ। हम एक रिसेंटली कुछ दिन बाद एक कोर्स लॉन्च करेंगे किस तरीके से लिंक्डइन को इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे आप बहुत ही बढ़िया एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हो बहुत ही आसानी से। हम वीडियो बना रहे हैं, अभी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसका आपका प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। तो होपफुली बाई नेक्स्ट मंथ यू विल हैव
पूरा जो कोर्स है skillyogi.com में आपको मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश बंगाली में, और आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सो लिंक्डइन इस्तेमाल करो अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, स्पेशली जब आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, ये बहुत एक बढ़िया ज़रिया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए और उन तक अपना मैसेज पहुँचाने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे इवन बिल गेट्स भी अपना प्रोफाइल बना के रखे हैं, तो उनके साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू चेक दैट आउट।